टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन। जम्मू कश्मीर हफ्तावार न्यूज बुलेटिन के साथ हलीमा सादिया आपकी खिदमत में हाजिर है। जम्मू कश्मीर में तरक्याती काम अपने भरपूर अंदाज के साथ जारी और सारी हैं। इन तरक्याती कामों में सियाहत का फरोग, स्कीइंग की ट्रेनिंग, ज़राअत के मैदान में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और दस्तकारी के सनत की बढ़ोतरी शामिल है। इस सिलसिला में सबसे पहले किचन गार्डनिंग को फरोग देने की खातिर जम्मू कश्मीर हुकूमत की खबर से शुरुआत करते हैं, जिसके मुताबिक हुकूमत हाईटेक पोली हाउसेज में हाइब्रिड वेजिटेबल्स की घरेलू काश्तकारी को फरोग दे रही है। किचन गार्डन के हवाले सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ हम सीडलिंग प्रोडक्शन करते हैं, सीडलिंग बनाते हैं, और आजकल यहाँ ये सारा हो रहा है अंडर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। उसमें जो हमारे ये सेमी हाईटेक्स आते हैं या कन्वेंशनल पॉली हाउसेज है, पॉली टनल्स हैं, इनमें हम प्रोटेक्टेड इसमें एटमोसफेयर में हम सीड लगा के सीडलिंग प्रोड्यूस करते हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज हाईटेक जो हम यहाँ पे पॉली हाउसेज हैं, हमारे कन्वेंशनल पॉली हाउसेज हैं, तो हम उनकी हेल्प से जो आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी आई है हम उसमें अपनी सैपलिंग्स तैयार कर रहे हैं, मतलब छोटे छोटे जो, ताकि जो हमारे ग्रोअर्स होंगे, कंज्यूमर्स होंगे, लेने आएंगे, तो हम उनको बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकें। उसके लिए जो हमारी पूरा यहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, अभी भी मतलब चल रहा है काम हमारा, यहाँ पर हमारा हॉटबेड भी बने रहेगा, उनको एक डिस्प्ले रहेगा यहाँ पे, ताकि वो यहाँ पे देख सकें कि किस टाइप के सैपलिंग अंदर लगे हैं, तो उनकी क्वालिटी क्या है वो यहीं पे देख सकेंगे। सर हमने यहाँ पर पॉली हाउस लगाए और हाईटेक पॉली हाउसेज हैं सर, इनमें ये फ़ायदा होता है कि हम विंटर सीजन में भी सीडलिंग करते हैं तैयार, और आपने सर देखा है कि छोटे छोटे सीडलिंग्स हो गए हैं तैयार थोड़ा, और हमने सर हार्ड बेड्स भी बनाए हैं। इसका पर्पज़ होता है कि विंटर में हम कैसे सर तैयार करते हैं वो जो हम विंटर में नहीं करते हैं, इसमें हम ऑर्गेनिक मटेरियल डालते हैं, और इससे क्या होता है कि टेम्परेचर मेंटेन होता है। पुलवामा के काश्तकार ये तवक्को कर रहे हैं कि इस सीजन में सेब की फसल बहुत उम्दा पैदावार देगी। रवां साल होने वाली हैवी स्नोफॉल सेब की आला फसल पर अच्छे नताइज मुरतब करेगी। इस सिलसिला में खसूसी रिपोर्ट देखिए। Thank you.
बर्फबारी अच्छा शगुन माना जाता है इस बागबानी के लिए। अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि ये नियामत से हमें नवाजा। लेकिन यही गुजारिश साथ साथ हमारी रहती है कि बागों में जो पानी जमा होता है उसकी निकासी करनी है, क्योंकि जो नए हमने बागात लगाए हैं, बगीचे लगाए हैं, उनको अपरूट होने का खतरा होता है। तो उसमें साथ साथ पानी की जो चैनल्स हैं उनको साफ़ करते रहना है, या उसके साथ कोई सपोर्ट देना है, उस प्लांट को देखते रहना है, मॉनिटर करना है, वो चीज़ें हमने करनी है। और जहाँ जहाँ लगता है कि कोई खास डिजीज़ है या कुछ है, जैसे जैनापुरा में है, उसका अपने CHO से कंसर्न जो होगा उसके मशवरे से ही कोई दवापाशी करनी चाहिए। गुलमर्ग का मकाम स्कीइंग के लिए जाना जाता है। पूरे मुल्क से स्कीइंग के शौकीन सयाह गुलमर्ग पहुंचते हैं और मकामी कोचों से ट्रेनिंग हासिल करते हैं। इलाके के नौजवानों में स्कीइंग सीखने और सिखाने का जज्बा जोर पकड़ रहा है, जिससे मकामी नौजवानों के रोजगार में इजाफा हो रहा है। पहले तो स्टॉप सिखाना है इसको, उसके बाद इसका पॉलर टर्न सिखाना है, इसी तरह से सब टेक्निक इसको सिखाने हैं। जो भी स्केटिंग में टेक्निक आ जाते हैं वो इनको सिखाने हैं, पूरा ट्रेन करना है, इसको ऊपर भी जाना है नेक्स्ट टाइम। किन-किन लोगों को सिखाते हैं? लोकल टूरिस्ट, यस। हाँ, अभी तो फॉरनर्स बंद है, अभी तो लोकल और टूरिस्ट आते हैं। हाँ, इनको हम सिखा देते हैं क्या करना है, कैसे क्या करना है। ये आज ही आया है, आज इसका फर्स्ट टाइम हो रहा है। स्कीइंग में कर चुका हूँ थोड़ा बहुत, बट खुद से ट्राई किया था और गुलमर्ग देखा, ये काफ़ी सुंदर जगह है, बहुत अच्छी जगह है स्कीइंग के लिए। फिर मैंने स्नोकिंग वालों से बात किया, उन्होंने अच्छा सिखा रहे हैं हमें, तो मैं काफ़ी इन्जॉय कर रहा हूँ। तो क्या क्या स्टेप्स आपने सीखे? मैंने बिगनर से सीखा है कैसे स्कीइंग पहनना है, कैसे शूज़ पहनना है, क्या टेक्निकल डायनेमिक्स है और कैसे ब्रेक लगाना है, पैरेलल वी शेप्ड, और अभी लिफ्ट से ऊपर आया हूँ। शूज, जिनको कश्मीर में फर्श शूज भी बोला जाता है, उनकी हालिया हैवी स्नोफॉल में बहुत डिमांड बढ़ी है। इस वक्त मुकामी लोग और सयाह कश्मीर के बाजारों में स्नो शूज को धड़ाधड़ खरीद रहे हैं, ताकि अपने पांव को गर्माहट फराहम कर सकें। जैसे आप देख लीजिए, अब सर्दी बढ़ रही है, अब हम सुबह फैर लगाते हैं, ये लेते हैं, काकड़ी वगैरह लेते हैं, तो अक्सर पैर को भी गर्मी चाहिए, तो इसके लिए पैर का भी गर्म होना बहुत ज़रूरी है। फैरन तो हम पहनते हैं, ये यहाँ का रिवाज है, तो इसमें पैर गर्म होंगे तो ऑलरेडी आपका जिस्म भी, बॉडी भी अच्छी तरह से गर्म रहेगी।
तो किस तरह की तब्दीलियां आ रही है फर्श शूज में दिन ब दिन, इसमें मतलब नए डिजाइन और नई वरायटियाँ आ रही है? नहीं नहीं, आपकी बात सही है, दिन ब दिन चेंज हो रहा है काम, लेकिन हमारा जो काम है ये तो समझिए आप लोकल, इसमें गरीब बेचारा भी बचता है, गरीब ये कहने का मतलब ज्यादा महंगा नहीं है, कॉस्टली नहीं है, हर कोई अफोर्ड कर लेता है। यहाँ पे जो विंटर होता है वो तो नवंबर से ही स्टार्ट होता है और बारिश से बर्फबारी तो स्टार्ट होती है दिसंबर से ही, तो उसमें भी बहुत हेल्पफुल है क्योंकि हमें मैक्सिमम जो चाहिए यहाँ पे बर्फबारी और सर्दी भी बहुत होती है, तो वो सर्दी के लिए बहुत हेल्पफुल है क्योंकि पैर गर्म रहते हैं तभी हम चल पाते हैं, तो फर्शूज़ तो बेस्ट हैं विंटर उसमें भी और बारिश में भी सर्दियों में। अगर हम बाकी शूज़ की भी वेराइटियाँ बहुत आती हैं, अगर बाकी शूज़ की बात करें उतने गर्म नहीं देते वो जितना कि फर्शूज़ देता है। मकामी सेरिकल्चर रिसर्च सेंटर और सेंट्रल सिल्क बोर्ड ऑफ जम्मू ने 5 रोजा फार्मर स्किल ट्रेनिंग का एहतमाम किया जिसका बुनियादी मकसद सिल्क इंडस्ट्री में नई टेक्नोलॉजीज को मुतारिफ करवाना था। इस सिलसिला में खुसूसी रिपोर्ट देखिए। ट्रेनिंग प्रोग्राम हम आज करने जा रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है कि कैसे हम जो है किसानों को नई तकनीकियों से अवगत करा सकें जिससे कि उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो। इसके लिए हम लोग को ये 5 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोगों ने रखा है, इसमें हमें हमारे स्टेट सेरिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से भी सहायता मिल रही है। ये हमें अब हमारे इनके जो फार्मर्स हैं यहाँ पर जो बेनिफिशरीज हैं इनके वो हमें उपलब्ध कराते हैं जिसके माध्यम से हम अपनी तकनीकियों को किसानों में हमारे जो रेशम कृमकस बंधु हैं बहनें हैं उनमें प्रसारित करने का कार्य करते हैं। जो ये सेरिकल्चर है इसका काम मेरे मम्मी पापा करते थे, हम उनको देख के थोड़ा थोड़ा सीखते थे और आज हमारा फर्स्ट डे है ट्रेनिंग के लिए और हम जो सीखेंगे तो आगे हम अपने पैरों पर खड़ा हो पाएंगे। का हफ्तावार जम्मू कश्मीर न्यूज बुलेटिन ANI की कर्टसी के साथ देखने का बहुत शुक्रिया। टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन।